Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to a new video. We have a guest on our channel today. This is Deepthi. Hi. Deepthi and me, बहुत सालों से actually साथ में जुड़े हुए हैं. On and off हम लोग साथ में काम करते रहते हैं. She does my hair and makeup sometimes. वैसे तो आप लोगों को पता है क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ अपनी videos में. But whenever I need someone, it's Deepthi who does it for me. I love her work. So आज ना she was here for my makeup. So I thought let's record it and maybe ये video आपके लिए helpful होगा क्योंकि हमेशा आपने है, मेरे चैनल पे मेरे स्टाइल से मेकअप होते हुए मैंने हमेशा मेकअप किया है तो एक जब प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो कि मैं नहीं हूं दीप्ति है वो जब मेकअप तो करता है थोड़ा कम बोलती है तो इसलिए हम उसे ज्यादा नर्वस नहीं करेंगे मेकअप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम बहुत सिंपल रखेंगे बहुत ज्यादा एक्जेजरेटेड नहीं रखेंगे थोड़ा बेसिक रखेंगे थोड़ा कोशिश करना कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि लोगों के लिए आसान हो चीजें समझना इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना ने करी है, से. ये नाम का मॉइस्चराइजर है आई हैव ऑलवेज सीन दीप्ति यूजिंग दिस वन मैंने पर्सनली इसे कभी यूज नहीं किया है बट दीप्ति जब भी इसे यूज करती है इट डेफिनेटली फील्स वेरी नाइस उसके बाद शी इज यूजिंग अ लिप बाम बॉडी शॉप का लिप बाम है ये और उसको इस तरीके से लगा रही है वो बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल लोगों पे यूज करती है सो दैट्स हाउ शी यूजेज इट एंड नाउ शी इज यूजिंग अ कंसीलर आई शेडो का बेस बनाने के लिए और ऐसे आईलिट्स के ऊपर लगा रही है और उसके बाद ब्रश से लगाने के बाद उसको सेट कर रही है थोड़ा स्मूथ कर रही है ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से उसके बाद इसको सेट कर रही है एक लूज पाउडर है लॉरा मर्सिया का उसके साथ उसको इसने सेट कर दिया और उसके बाद नाउ और शी इज स्टार्टिंग दी आइज आइज के लिए बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल लुक रख रहे हैं ये एल्फ की छोटी सी आई शेडो पैलेट है बहुत मिनी वाली और एक लाइट कलर का शेड लेके उसने पूरे लिड पे लगाया ये जो लाइटेस्ट कलर बिल्कुल आप फर्स्ट नंबर वाला देख रहे हो पूरे लिड पे वो लगा रही है थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे रही है क्रीज को बट एक्चुअली पूरे पे ही लगा रही है और उसके बाद एक डार्क कलर का शेड वो इसमें से ले रही है और बहुत ही बारीक एंगल्ड टाइप का ब्रश जो बड़ा स्ट्रेट सा ब्रश होता है उसके साथ ना वो जो मतलब आईलैशेज वाला बैंड होता है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है इस तरीके से लाइक like एक आईलाइनर की तरीके से कह सकते हैं कि वो उसको शेड को लगा रही है लाइक like हल्का हल्का सा और क्योंकि इंडियन टाइप का लुक हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कोई भी शिमरी शेड या कुछ कुछ नहीं लगा रहे हैं वी आर ओनली यूजिंग मैट शेड्स ये दो वाले उसके बाद अगर कोई भी नीचे यू you नो know, कोई आई शेडो गिरा है या कुछ भी है तो उसको वो पहले क्लीन कर रही है क्लीन करने के बाद नाउ शी इज यूजिंग द स्ट्रोप क्रीम ये मैक की स्ट्रोप क्रीम है और उसको थोड़ा सा और अपना लगा रही है फेस के ऊपर हाई पॉइंट्स पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो और अच्छे से इसको लगाने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग द बेस मेकअप द डू नॉट फर्गेट द नेक हमेशा मैं भी बोलती हूँ एंड यू कैन सी दीप्ति ऑल्सो लाइक यूजली ना हम फेस पे मेकअप कर लेते हैं लेकिन नेक uh, रह जाता है तो इसलिए उसके बाद बेस के लिए सबसे पहले उसने सेम कंसीलर लिया है बस थोड़ा शेड का फर्क है uh, वो ऑब्वियसली वो यू you नो know, थोड़ा कस्टमाइज भी कर रही है मेरे uh, उसके हिसाब से इसीलिए आपने देखा होगा कहीं बार वो दो कंसीलर्स या दो फाउंडेशन मिक्स कर रही है या करेगी आगे तो सबसे पहले बिल्कुल मैच करता हुआ शेड उसने कंसीलर का लिया है और उससे मेरे कोई भी जो भी मार्क्स वगैरह हैं डार्क सर्कल्स हैं वो सब कवर कर दिए उसके बाद फाउंडेशन के लिए उसने एक देखो देख रहे हो आप एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का ऐसे एक ट्रे पे यू नो you know, फाउंडेशन लिए हैं उसको उस हिसाब से मेरे स्किन टोन के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर रही है एक्चुअली द राइट वे आर यू कैन नेवर फाइंड द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन फॉर योर और वैसे भी आपका खुद का भी जो स्किन आ, शेड होता है टोन होता है वो बदलता रहता है कभी टैन हो गए कभी क्लियर हो गया सो इट्स ऑलवेज गुड कि एक बार आपको पता चल जाए ना आपका फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सको तो दो फाउंडेशन ले लो उसी में डार्क और लाइट और उससे यू कैन जस्ट यू नो मेक योर ओन शेड ऑफ द फाउंडेशन उसके बाद अगेन उसने पहले ब्रश से लगाया और उसके बाद स्मूथ आउट किया है थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जो कोई अगर यू you नो know, लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है प्रोडक्ट या कुछ है वो भी उठ जाता है उससे उसके बाद शी इज यूजिंग सेम वही टू फेस का ही कंसीलर है लेकिन उसी में थोड़ा लाइट शेड यूज कर रही है फॉर ब्राइटनिंग जैसे हम हमेशा लगाते हैं ना लाइक लाइट कलर का एक कंसीलर एंड में हम लगाते हैं ताकि थोड़ा सा फेस के जो हाई पॉइंट्स है वो थोड़ा उभर के आ जाएँ एंड काफ़ी जो फेस है वो काफ़ी ऐसे ब्लंड सा ऐसे फ्लैट सा ना लगे सो इसलिए अगेन ब्रश से लगा के अच्छे से और उसके बाद उसने ब्यूटी ब्लेंडर से स्मूद आउट कर दिया है और वहीं वहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है जहां जहां पे हमने वो प्रोडक्ट लगाया है पूरे फेस के ऊपर नहीं एंड या द बेस इज रेडी अब इसको सेट करने के लिए अगेन शी इज यूजिंग द सेम लूज पाउडर लॉरा मर्सी का और पहले उसने क्या किया है वो एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्यूटी ब्लेंडर नहीं एक फ्लैट स्पंज होती है ना जो उससे पहले वो अच्छे से ऐसे डैप कर करके ऐसे लगा रही है लाइक प्रेस कर रही है पाउडर से और उसके बाद नाउ शी इज यूजिंग अ ब्रश जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो हट ही जाएगा और अदरवाइज भी काफी स्मूद आउट सा हो जाएगा सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग जो वो कर रही है लाइक like, मैं थोड़ा और तरीके से करती हूँ बट डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस और उसके बाद नाउ शी इज डूइंग द लोअर लैशेज उसमें भी अगेन दो कलर्स जो हमने ऊपर यूज़ किए थे पहले लाइट वाला वो उसने पूरी लोअर लैश पे लगाया है और फिर जो डार्क वाला कलर है वो वो लगा रही है सिर्फ आउटर जो कॉर्नर्स हैं आईज के इस तरीके से उसको डार्क वाले कलर को वो अंदर तक नहीं लेके जा रही है सिर्फ बार बार लगा रही है नाउ जो लूज पाउडर आंखों के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा लगा के छोड़ा हुआ था वो भी हटा दिया है क्योंकि नीचे का आई शेडो भी हो गया है नहीं तो कई बार होता है ना कि आई शेडो लगाने के बाद थोड़ा नीचे गिर जाता है तो अगर वो गिरता है तो वो लूज पाउडर के साथ साफ हो जाता है उसके बाद शी कर्लिंग द लैशेस और ये एक्चुअली मैंने बड़े टाइम से नहीं किया यार मैं तो आईलैश कलर यूज़ करना ही बिल्कुल भूल चुकी हूँ बट आई विल बी डूइंग इट इन फ्यूचर और उसके बाद ये प्लम का मस्कारा लगा रहे हैं एक्चुअली वो तो कोई और लगा रही थी शी वॉज यूजिंग सम अदर आई थिंक टू फेस्ट का यूज़ कर रही थी एंड आई वॉज लाइक अरे भाई टू फेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे लोग कहेंगे टू फेस्ट की वीडियो कर रहे हो आप पक्का स्पॉन्सर्ड तो एनी anyway, वे तो इसलिए हमने प्लम का मस्कारा यूज़ किया मैंने उसे अपनी किट से दिया एंड देन बहुत ही नेचुरल आई लैशेज लगाई हैं और बहुत ही नेचुरल आई कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चेक कर लेना ठीक है और बहुत ही नेचुरल सी आईब्राउज उसने रखी हैं और हल्की हल्की सी शेडिंग करी है बहुत हल्की हल्की सी उसके बाद नाउ शी हैज टेकन ब्लैक कलर एक्चुअली किसी भी आई पैलेट से आप ये ब्लैक कलर ले सकते हो और अब ब्लैक कलर से नाउ शी इज डूइंग आई ठीक है तो लिक्विड आई हम इस लुक के लिए क्योंकि बहुत नेचुरल लुक रखने की कोशिश है तो यू नो पाउडर फॉर्म वाला ही हम आई शेडो जो होता है बेसिकली वही यूज कर रहे हैं आईलाइनर लगाने के लिए और उसके बाद जो फॉल्स आई लैशेज हैं और जो नेचुरल आई लैशेज हैं उनको आपस में से मर्ज करने के लिए वापस से एक बार और मस्कारा ऊपर तो लगा ही रही है और फिर नीचे भी लगा रहे हैं उसके बाद अगेन मेरी किट से रिमेल का ये ब्रॉन्जर है जो यूज़ कर रहे हैं गाइज आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि हम थोड़े ना जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते से सस्ते रखें बेस में मैंने दिप्ति को बहुत ज़्यादा नहीं बोला मैंने कहा बेस तुम अपने हिसाब से करो अगर तुमको लगता है टू फेस्ट के अच्छे हैं तो करो टू फेस्ट के एंड एक्चुअली रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड एक्चुअली मैंने कभी भी टू फेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए थे सो आई आई डोंट रियली माइंड अपनी किट में इस प्रोडक्ट को ऐड करने स्पेशली इनके फाउंडेशन और कंसीलर एनी anyway, उसके बाद ब्लश लगा रहे हैं ये के ब्यूटी का और उसके बाद लगा रहे हैं हाइलाइटर, ये भी सब मेरी किट से ही आ रहा है गाइस ठीक है आई लव 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 दिस हाइलाइटर। सबसे पहला हाथ मेरा इसी पे जाता है मेबलीन का मास्टर क्रोम और वंस द बेस इज डन अब इसको सेट करेंगे सेट करने के लिए यूज करेंगे मेकअप फिक्सर नाउ मेकअप फिक्सर के लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड ये हमने दीप्ति की किट से ही यूज किया है अर्बन डिके का आई डोंट थिंक आई एवर यूज्ड लाइक अ सिंगल प्रोडक्ट आल्सो फ्रॉम अर्बन डिके अच्छा लगा मुझे ये मेकअप फिक्सर देर इज नो फ्रेगरेंस देर इज नथिंग सो इफ यू आर वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट इन अ मेकअप फिक्सर और प्राइस की टेंशन नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर अर्बन डिकेन उसके बाद के ब्यूटी का ये लिप लाइनर है शेड वगैरह सब नीचे दे दूंगी उससे लिप्स लाइन किए हैं और उसके बाद मैक का Uh, ये लिपस्टिक है महर शेड वो लगाया ऑनेस्टली बताऊँ लगा तो लिया उसके बाद मैं चेंज वेंज भी करने के लिए चली गई थी बट ना वो वाली बात नहीं लग रही थी बिकॉज आई एम नॉट रियली अ ग्लॉसी ग्लॉसी लिपस्टिक काइंड ऑफ पर्सन यार आपको पता है एंड में मैं थोड़ा मुझे मैट ही पसंद है तो इसलिए जब मैं चेंज वेंज करके आई मैंने कहा नहीं यार समथिंग मिसिंग मुझे मेरी लिपस्टिक चाहिए फिर से लगा ली मैंने मार्स की ये वाली लिपस्टिक एंड द लुक इज रेडी गाइज बहुत कंफर्टेबल मेकअप था पता है मतलब मेकअप भी होता है ना बहुत कई बार डिस्कम्फर्ट दे देता है लाइक लगता है बहुत कुछ फेस पे है इतना प्यारा मेकअप मुझे लगाना ये वाला हुआ है और काफी डिफरेंट लुक आई है क्योंकि यू you नो know, हाथ हाथ में फर्क होता है जिस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ और जिस तरीके से दीप्ति ने किया डेफिनेटली एक डिफरेंस लग रहा है मतलब बहुत अच्छा खासा डिफरेंस लग रहा है रियली 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 हैप्पी विद द लुक लेट मी नो आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है सो येस गाइज दिस इज इट आई रियली होप दैट यू होपैट एंजॉयड दिस वीडियो दीप्ति कैसा लगा तुम्हें अच्छा लगा मजा आया थिंक वी डिड अ गुड जॉब या आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब और मेकअप सही में बड़ा अच्छा हुआ है आज मुझे ऐसे था कहीं नर्वसनेस में कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा बट <laughs> नहीं, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है और बहुत आई एम फीलिंग सो कम्फर्टेबल ऐसा नहीं लग रहा कि चेहरे पर कुछ है एंड एक्चुअली दैट्स द रीज़न आई आई कॉल दीप्ति टाइम एंड अगेन या दिस इज इज इट रियली होप कि आप लोगों को भी थोड़ी मदद मिली हो इससे और आई थिंक इट अ गुड चेंज फॉर यू गाइज ऑल्सो टू वॉच समथिंग लाइक दिस ऑन माई चैनल अगर आपके कोई क्वेरीज हैं या फिर अगर आपके कोई न्यू आइडियाज है जो आप चाहते हो कि हम करें ऐसी कोई वीडियो और तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट ठीक है तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो कुछ कहना है नहीं। <laughs> ओके कुछ नहीं कहना तो यस गाइज दिस इज इट आई रियली होप दैट यू रीली होपाइड इफ यू लेट मी नो दैट दैटो इन द कॉमेंट्स दीप्ति की मैंने जो भी डिटेल्स हैं उसका इंस्टाग्राम पेज उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर इफ इन केस आपको मे बी सीखना है सिखाती भी हो ना तो हाँ अगर सीखना है या किसी ओकेजन के लिए मेकअप करवाना है तो दीप्ति को कॉन्टैक्ट कर सकते हो येस दिस इज इट गाइज आई रियली होप दैट यू इज इंजॉयड इफ यू डिट लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो Till then, bye bye, take care guys. Bye, bye BP, thank bye. you so much.